डियर स्टूडेंट वालेकुम। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स के साथ मैं हाजिर हूँ आज यूनिट का सेकेंड जो पिछले का कन्वर्स है पैथोग्रस त्योरम में उसकी जो स्टेटमेंट है वो कुछ यू थी कि इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्र ऑफ द हाई पॉटीन टू द सम ऑफ द ऑफ द रिमेनिंग टू यानी थ्योरम में अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बाकी दो साइड्स के सम ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा ये उसकी स्टेटमेंट है और आज जो कन्वर्स हम कर रहे हैं तो इसमें हमें राइट एंगल गिवन नहीं होगा बल्कि हमें ये कहा गया होगा कि अगर किसी एक ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के सम ऑफ स्क्वायर के बराबर हो तो फिर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा ये आज हम साबित करेंगे तो इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूं है कि इफ द स्क्वायर ऑफ़ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑफ़ द अदर टू साइड्स देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपके पास कोई ट्राइंगल ए बी सी है और उसमें एक साइड यानी ए बी का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के सम ऑफ स्क्वायर के बराबर हो यानी बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर तो फिर ये ट्राइंगल जो है ये जो ए बी सी ट्राइंगल है ये फिर राइट एंगल ट्राइंगल होगा ये हमने साबित करना है तो सबसे पहले फिगर को समझते हैं हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें वॉर्टिक्स ए का जो अपोजिट साइड है इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करे वॉर्टिक्स बी का ये जो अपोजिट साइड सी ए है इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करे और वॉर्टिक्स सी का अपोजिट साइड ए बी जो है इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करे तो अब हमारे पास ये ट्राइंगल ए बी सी है

प्लस बी का स्क्वायर जो है वो सी का स्क्वायर इसके बराबर होगा is, is, ये तो में आ गया. अब हमने साबित क्या करना है राइट एंगल ट्राइंगल ये जो ट्राइंगल ए सी बी है ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ये साबित करना है कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं ड्रा सी डी पर हमने सी डी परपिडिकुलर लिया है बी सी पे यानी बी सी और सी डी एक दूसरे पे परपिडिकुलर है तो यहां पे ये यह जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा सच so देट अच्छा अब ये जो सी डी हमने लिया है ये सी डी फासला बिल्कुल इतना ही होगा जितना सी ए फासला है दैट इज सी एंड सी डी आर इक्वल सो सी डी इज कॉम्रोन टू सी ए और फिर आखिर में ज्वाइन दी पॉइंट्स बी एंड डी बी और डी पॉइंट को ज्वाइन करें ताकि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी बन जाए प्रूफ में लेफ्ट साइड पे स्टेटमेंट्स राइट साइड पे रीजन आएंगे ट्राइंगल बी सी डी या डी सी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ये जो बी सी डी ट्राइंगल है या डी सी बी ट्राइंगल ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए है कि हमने सी डी पर प्रिडिकुलर लिया था बी सी पे तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये कंस्ट्रक्शन हमने की थी देर फॉर अब थ्योरम में हमने इस बात को स्टडी किया था कि अगर हम, आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट right एंगल का जो अपोजिट साइड है ये कहलाता है तो का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के सम ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा तो मयर बी डी का स्क्वायर जो है वो स्मॉल ए का स्क्वायर प्लस स्मॉल बी का स्क्वायर इसके बराबर होगा दैट इज मैर बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये थ्योरम की स्टेटमेंट है ठीक है ये पिछला जो 15.1.1 थ्योरम है उसमें से इस बात को ऑलरेडी हम साबित कर चुके हैं अच्छा but A square plus B square C square, ये तो गेवन में भी हमें पता है कि जो सी का स्क्वायर है स्मॉल सी का स्क्वायर वो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इसके बराबर है तो सी स्क्र जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र के बराबर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो मैयर बी डी के के बराबर है तो इसका मतलब यह है कि मैयर बी डी का स्क्वायर और स्मॉल सी का स्क्वायर ये आपस में बराबर होंगे क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो A square plus B square के बराबर है। और सी स्क्तर तो आपस में बराबर है दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेता स्क्वायर खत्म हो जाए तो यहाँ पे मैयर बी डी और इज इक्वल टू सी यहां पे रह जाएगा और रीजन में आप बता दे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लिया है अच्छा तो अब हमने एक बात तो यह साबित कर दी है कि मैयर बी डी और सी जो है ये आपस में बराबर है मैयर बी डी और स्मॉल सी यानी मैयर ए बी ये आपस में बराबर है अब इन दो ट्राइंगल्स की कारिस्पोंडेंस लेते हैं कौन कौन से दो ट्राइंगल ट्राइंगल डी सी बी और ट्राइंगल ए सी बी इन दोनों ट्राइंगल्स की कारिस्पोंडेंस लेते हैं सी डी इज कॉन्ग्रोन टू सी ए ये जो सी डी और सी ए है ये कांग्रोन है ये कॉन्ग्रोन इसलिए है कि हमने कंस्ट्रक्शन की थी क्योंकि हमने सी डी सी ए के कांग्रोन लिया था इसी तरह बीसीग्रोन टू बी सी ये तो कॉमन है दोनों में बी सी साइड जो है वो इन दोनों ट्राइंगल्स में कांग्रोन है सो बी सी एस कांग्रो टू बी सी इसको आप रीजन में कॉमन बता दे एंड डी बी एस कांग्रो टू ए बी यहां पे जो डी बी फासला है और ए बी फासला है ये बराबर है ये क्यों बराबर है यहाँ पे ऑलरेडी हम साबित कर चुके हैं कि बी डी और स्मॉल सी स्मॉल सी क्या है ए बी है कि ये दोनों बराबर है कि बी डी और ए बी आपस में बराबर है तो बी डी और ए बी बराबर है और ये इसलिए कि ईच वन इज टू सी यानी ई साइड सी के बराबर है ए बी जो है वो भी सी के बराबर है और बी डी जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी हम साबित कर चुके हैं कि ये बी सी के बराबर है तो दोनों साइड्स ए बी और बी डी सी के बराबर है तो इसलिए ए बी और बी

डी सी बी डी सी बी ये और एंगल ए सी बी ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रोड ट्राइंगल है दो ट्राइंगल कांग्रोड तो उनके कारिस्पोंडिंग एंगल्स भी कॉन्ग्राउंड तो जब ये दोनों एंगल कांग्राउंड होंगे तो अब हमें पता है कि मैयर एंगल डी सी बी इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री यानी ये जो मैयर एंगल डी सी बी है ये नाइन्टी डिग्री है ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी इब्तदा में अच्छा तो मैयर एंगल ये जो मैयर एंगल डी सी बी है ये 90 है और, और एंगल डी सी बी जो है ये कांग्रोड है एंगल ए सी बी के तो एंगल ए सी बी जो है ये भी 90 होगा. ठीक है तो मैयर एंगल ए सी बी मैयर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री यानी यहां पे ये जो एंगल है ये नाइनटी डिग्री है तो क्या मतलब है इसका कि ये जो ट्राइंगल ए सी बी है ये राइट एंगल ट्राइंगल है हेंस ट्राइंगल ए सी बीज ट्राइंगल इसके साथ इस त्यौरम का प्रूफ कंप्लीट होता है इसी के साथ यूनिट 15 के जो दो त्यौरम है वो भी कंप्लीट होते हैं इन अगली वीडियो में एक नए त्यौरम का प्रूफ निकालेंगे उस वक्त तक मुझे दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज